5 सितंबर को होने वाले घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। इसी कड़ी में बुधवार को बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दारा सिंह चौहान के नामांकन में भाजपा ने अपना दमखम दिखाने की भी भरपूर कोशिश की है। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ साथ एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर समेत कई विधायक और पूर्वांचल के दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना पूर्व निर्धारित नामांकन करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। घोसी में होने वाले उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान के सामने समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता सुधाकर सिंह हैं। अगर घोसी सीट की बात करें तो यहां पर जीत किसी पार्टी से ज्यादा चेहरे की प्रभावी रही है। इस चुनाव को अखिलेश यादव के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के पीडीए वाले समीकरण के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के सहयोगी रहे ओपी राजभर के लिए भी अहम है। राजभर जब 2017 में योगी सरकार का हिस्सा थे तो पिछड़ों के लिए सरकार पर कुछ न कुछ करने की आवाज उठा रहे थे। उसी मुद्दे को आधार बना कैबिनेट से अलग हो गए। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी से मिल गए और तमाम चुनावी मंचों से सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपने अंदाज में तंज कसने से बाज नहीं आए। कई दफा तो उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए चल सन्यासी मंदिर में वाला गीत भी गुनगुना दिया। लेकिन चुनावी नतीजे जब अखिलेश यादव के पक्ष में नहीं गए तो ओम प्रकाश राजभर ने भी पाला बदल दिया और अब वो एक बार फिर बीजेपी के साथ एक मंच पर हैं, एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। और अब घोसी में दारा सिंह चौहान के समर्थन में आयोजित जनसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सफाई भेजने का ऐलान कर रहे हैं। राजभरी ऐलान करे भी तो क्यों ना, आखिर इस सीट पर दारा सिंह चौहान के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक साख भी सीधे सीधे दांव पर लगी है। उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है, लेकिन ना जाने तुम कि घबरा मत बोलो, जितना धोखा हम अकेले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित गतिविधि ब्याज सहित तो हम लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं, घबरा मत आवा चुनाव मैदान में। घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ करीब 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता है, जिसमें करीब 2,44,000 पुरुष हैं और 2 लाख से भी ज्यादा महिला वोटर हैं। पिछड़ों में शुमार नोनिया चौहान बिरादरी के मतदाता एक मुश्त वोट डालते हैं और जातिगत उम्मीदवार से पूरी वफा निभाते हैं। और घोसी विधानसभा में जहां 45,000 नोनिया चौहान वोटर हैं, खुद दारा सिंह चौहान भी इसी बिरादरी से आते हैं, तो वहीं करीब 35,000 राजभर समाज के वोटरों की मौजूदगी है। इसके अलावा 80,000 मुस्लिम, 70,000 मल्लाह और करीब 60,000 दलित वोटर भी बड़ा खेल कर सकते हैं। 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब घोसी सीट से सपा के टिकट से लड़ते हुए दारा सिंह चौहान ने शानदार जीत दर्ज की थी। राजभर का साथ इस बार भी दारा सिंह चौहान के साथ है, लेकिन दारा सिंह चौहान की पार्टी बदल गई है। अगर ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई तो पूर्वांचल में दोनों की पकड़ पर सवाल खड़े होंगे। ऐसे में दारा सिंह चौहान और राजभर दोनों इस सीट को जीतने के लिए पूरे जी जान से लड़ेंगे। माना ऐसा जा रहा है उपचुनाव के बाद दोनों को मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है।